हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिया ट्रेडर। तो आज का दिन एक्सपायरी का दिन था एंड हमारे लिए काफ़ी अच्छा था। आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी लास्ट में शेयर करूंगा, लास्ट में आप देखना। तो वीडियो के एंड तक रहिए क्योंकि आज का मार्केट कैसा था उसके बारे में बात करेंगे और फिर कल मार्केट कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए आज की बात पहले करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो थोड़ा हटा देता हूँ। देखिए इस इंडिकेटर के बारे में मैं हमेशा आपको बोलता हूँ पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद आप थोड़ा सेटिंग में जाके इसका जो है यहाँ पर इनपुट्स में इसको फिबोनाची कर देना, ठीक है। तो देखिए आज जैसे ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ था। पहले गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है उससे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद सेकेंड रेजिस्टेंस तक भी गया था। तो अगर आपने आज सुबह ट्रेड लिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ होगा, पर उसके बाद मार्केट कम्प्लीटली वोलेटाइल यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे करते करते 2 बजे तक मार्केट ऊपर नीचे होते रहा। तो देखो अगर आप यहाँ पर कहीं ट्रेड लेते इस रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन के बाद, रिटेस्ट के बाद अगर आप यहीं पर कहीं ट्रेड लेते तो आपका जो है स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर हिट हो जाता। उसके बाद अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप कॉल की पोजिशन लेते तो आपका स्टॉप लॉस अगेन हिट होता। तो आज जो है मार्केट 2-3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर करता पर एंडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था। तो मैंने एक जो लास्ट में हीरो एंड जीरो ट्रेड था वो मैंने आज शेयर किया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसका भी जो स्क्रीनशॉट है मैं डाल दूंगा। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, आज मार्केट इसी रेंज जोन में बने रहा, ठीक है। मार्केट जो है आज जो था इसी जोन पर बने रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी जोन के आसपास बने रहा मार्केट लास्ट तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन मिला, ब्रेकडाउन के बाद अगेन थोड़ा अप मूवमेंट, उसके बाद अच्छा खासा डाउन मूवमेंट यहाँ पर मिला। तो हमने जो किया था यहाँ पर कहीं हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था एक पुट के साइड, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बना था जो हमको थोड़ा डराया, पर उसके बाद जैसे हमने सोचा था मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट आया। तो देखिए ये आज मैंने कन्फर्मेशन क्यों था ये वाला, क्योंकि देखिए लास्ट मतलब और परसों की बात करें ट्यूसडे के दिन तो कुछ ऐसे ही मार्केट हुआ था यहाँ पर भी मार्केट कुछ ऐसा, ट्यूसडे या मंडे में को ठीक से याद नहीं आ रहा, हाँ ट्यूसडे में भी आप देख सकते हो यहीं पर इसी जोन में मार्केट बने रहा, ठीक है। उसका जो फर्स्ट जोन है ये इसी जोन में मार्केट बना रहा, मैं आपको लाइन ड्रॉ कर ही दिखा देता हूँ, इसी जोन पे मार्केट बना रहा। उसके बाद लास्ट एंडिंग मूवमेंट में मार्केट जो है यहाँ से तगड़ा ब्रेकडाउन दिया एंड अच्छा खासा जो भी मतलब पुट के साइड बैठा होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। आज भी वैसा ही कुछ मार्केट था एंड आज तो मतलब क्या SBI का जो है रिजल्ट भी आने वाला था, इसलिए बहुत कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट आज अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। तो मैं भी वही सोच रहा था, मैं भी कॉल के साइड में ही पोजिशन बनाने का सोच रहा था यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने कॉल का पोजिशन भी लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉल का पोजीशन लिया था पर मुझे पता चल गया कुछ देर में कि एक फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर एग्जैक्ट की बात करूँ मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर 130 यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर कभी हमको जो मार्केट जो एक मूवमेंट दिखाई दिया एंड इसी के आसपास SBI का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। तो यही मतलब बहुत को यही सोचता है एंड हमें भी यही लगता है कि मार्केट जो है अभी ऊपर जाएगा, पर देखिए हमारे सोच से मार्केट बहुत ही अलग चलता है। हमको ये सोचना नहीं है कि क्या होगा, हमको ये करना है कि जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमको जो है पोजीशन बनाना है। देखिए सुबह से मेरा जो माइंड था वो कॉल के साइड पे ही था, बुलिश ही था एंड यहाँ पर तो कंफर्मेशन भी मुझे मिल गया था कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। तो मैंने अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ कॉल की पोजीशन ली थी पर मेरा स्टॉप लॉस जो था बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस था, कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर थोड़ा सा उसके नीचे, मतलब यहाँ पर बात करूँ अराउंड मुझे 1500 या 2000 का ही लॉस हुआ था, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मैंने 10 पॉइंट का रखा था एंड अपवर्ड के साइड टारगेट मेरा ओपन था। पर यहाँ मेरा एक ही मतलब थोड़े देर के बाद मेरा स्टॉप लॉस जो है हिट हो गया एंड जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया मुझे पता चल गया कि ये वाला जो है फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिला है एंड मार्केट अभी जो है नीचे की साइड जाने वाला है। तो मैंने फिर से यहाँ पर एंट्री ली पुट की साइड एंट्री ली एंड अच्छा खासा मुझे मोमेंटम मुझे यहीं मिल गया था एंड यहीं पर मैंने सेल आउट करके अपना जो ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने ये सब ध्यान नहीं दिया। पर फिर भी एक कॉल और हीरो एंड जीरो का आप देख रहे होंगे टेलीग्राम में मैंने डाला था एंड वो अच्छा खासा रैली भी गया, 40 से लेके अराउंड 80-90 तक गया। उसके बाद नीचे आया, नीचे आके यहाँ पर कहीं वो 12 रुपीज़ का मिल रहा था,
फोर्टी जो मिल रहा था 12 रुपीज़ का मिल रहा था, एंड यहाँ आते आते 120 रुपीज़ भी हो गया, मतलब 10 टाइम्स आपका मनी बन जाता और उस समय आप ट्रेड लेते। पर ऐसा रिस्क हमें लेना नहीं है, जो बिगिनर्स है वही लेते हैं ऐसा रिस्क, क्योंकि जो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल के वो ऐसा रिस्क तो लेते ही नहीं कभी। तो ये तो थी आज की बात। और कल की बात करें तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखिए मैं दो तीन वीडियो से यही बातें कर रहा हूँ कि मार्केट जो है कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है अभी फिलहाल, ऑल टाइम हाई के पास मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के पास है। एंड देखिए आप देख सकते हो इसी रेंज पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ तक गया फिर थोड़ा नीचे, ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पर यहाँ तक मार्केट गया फिर थोड़ा एक नीचे फिर रीटेस्ट फिर थोड़ा एक नीचे आ रहा है। तो देखिए जब तक ये ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम नहीं सोच सकते हैं कि कॉल के साइड को बड़ा मोमेंटम आने वाला है। हाँ छोटा बहुत इंट्राडे में पॉसिबल है, पर फ्यूचर्स की बात करें तो जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता हम फ्यूचर्स में कॉल की पोजीशन को होल्ड करके नहीं रख सकते। अगर आपने पोजीशन लिया हो तो आपका स्टॉप लॉस भी कहीं 43, देखिए 43,800 एक बड़ा मतलब सपोर्ट था जो कि आज ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर मार्केट कल यहाँ से गिरता है, ठीक है 43,800 से गिरता है अगर मार्केट, तो अच्छा खासा गिर सकता है, 48,500 तक जाएगा, 43,500 तक जाएगा, फिर 43,200, तो अच्छा खासा नीचे मोमेंटम मिल सकता है। पर अगर देखिए यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है 43,500 से फिर से रिटेस्ट लेके ऊपर जा सकता है, पर जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होता हम कॉल की साइड नहीं बैठेंगे, जो पोजीशन है वो उसको होल्ड करके नहीं रखेंगे। एक स्टॉप लॉस के साथ हम चल सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते चल सकते हैं, पर जब तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं होता, एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 44,200 के ऊपर, अगर डे क्लोजिंग 44,200 के ऊपर नहीं होता तो हम कॉल के साइड स्ट्रांगली नहीं बैठ सकते। जब 44,200 क्रॉस कर लेगा उसके बाद हम कॉल के साइड में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली इजीली ट्रेड कर सकते हैं, मोमेंटम जिसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी की बात करो, अभी की मार्केट एक कम्प्लीटली रेंज बाउंड मार्केट बन चुका है, यहाँ पर देखिए कम्प्लीटली रेंज बाउंड। तो अगर डाउन साइड की बात करूँ तो 43,500 एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको अगर ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो 43,200 तक जा सकता है एंड उसके नीचे फिर चलते जाएगा। तो अभी के लिए कल की बात करें तो कल के हम कैसा ट्रेड लेंगे, फिर से 5 मिनट्स में चलते हैं या फिर 15 मिनट्स चलते हैं तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो देखिए आज जो मोमेंटम मिला था मार्केट को, ज़्यादा कुछ मिला नहीं था, बस लास्ट में थोड़ा बहुत मोमेंटम था, उसके अंदर तो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज था आज का। तो देखिए यहाँ पर ही मार्केट अगर ट्रेड कर रहा है तो नीचे जाने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सपोर्ट इसका है 43,500 में सपोर्ट है, तो अगर मार्केट का गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, तुरंत ही ट्रेड नहीं लेंगे। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट एक बार यहाँ तक पहुँचे रीटेस्ट ले, एंड अगर नीचे उसके बाद कैंडल एक अच्छा खासा बनाता है तो हम पुट की साइड ले सकते हैं। एंड ऊपर की साइड की बात करें तो ये रेंज आप देख सकते हो, ये वाला जो रेंज है 43,900 के ऊपर, ठीक है, और ये रेंज को ब्रेक नहीं करता तो हम कॉल की साइड नहीं लेंगे अभी, क्योंकि मार्केट में जो है अभी ना बुल स्ट्रांग है ना बियर स्ट्रांग है, बराबरी का टक्कर चल रहा है, कांटे का टक्कर चल रहा है, तो एक साइड पे ज़्यादा देर हम होल्ड नहीं करेंगे। इस मार्केट को बोला जाता है स्केल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट मार्केट बोला जाता है, स्केल्पिंग बहुत अच्छा रहता है इस मार्केट में। तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हम टारगेट स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, एक दो तीन ट्रेड कर सकते हैं, पर ज़्यादा हम नहीं बैठेंगे कॉल की साइड, क्योंकि देखिए कॉल में उसको बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है ऑलरेडी। ये जोन देखिए, ये जोन में बार बार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, फिर यहाँ पर तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 44,200 में जो ऑल टाइम हाई है उसको, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने वाला। तो अभी मार्केट थोड़ा मतलब डाउट में है कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है, एक कम्प्लीटली एक जोन में मार्केट चल रहा है। तो छोटा बहुत हम ट्रेड में लेके चलेंगे, अगर कल के साइड अगर यहाँ ब्रेक डाउन करता है तो हमारा टारगेट बस 100-150 पॉइंट का रहेगा, और उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर से हम एक्स्ट्रा 120-125 पॉइंट्स जा सकते हैं, उसके नीचे 43,200 तक हम टारगेट बना सकते हैं। ऊपर के साइड अगर 43,900 को ब्रेकआउट करता है तो हम 44,000 का सोचेंगे, उसके बाद 44,100 का, उसके बाद 44,200, 44,300, अगर 44,300 के ऊपर अगर मार्केट जिस दिन क्लोज होगा तो आप समझ जाना कि एक अच्छा खासा रैली हमको मिल सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात तो होगी, अभी थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही है,
आप देखते हो पर निफ्टी आज जो है एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट दिया था, ठीक है। देखिए ओपनिंग हुआ था 18288 में और मार्केट गया 18129 तक, तो जो पुट के पोजीशन में थे उनको तो अच्छा खासा पैसा भी मिला होगा। पर निफ्टी का वैसे ही हाल है, कुछ ज़्यादा मोमेंटम अभी दिख नहीं रहा है, ना ही मतलब कॉल के साइड या फिर पुट के साइड। तो निफ्टी भी आप देख सकते हो, निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करने के लिए बाकी है। पर देखिए जो बुलिश मार्केट था, बुलिश मोमेंटम जो था, अभी थोड़ा उसको रिटेस्ट कर रहा है। और इसको रिटेस्ट करके अगर मार्केट अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो हम ऊपर की टारगेट सोच सकते हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। तो लेवल्स आप देख लो, अब बस पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड यूज़ कर लेना तो आपको अच्छा रहेगा लेवल्स के लिए। आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो चेक करके, कोई बात नहीं, पर पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड आप यूज़ कर लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। तो देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है, और कल के दिन ये सपोर्ट ब्रेक करता है, कल के दिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है एंड एक रिटेस्ट लेता है तो हम पुट के साइड सोच सकते हैं। एंड पुट के साइड आप देखते हो 18,000 का टारगेट रहेगा हमारा, फर्स्ट का 18,082 का टारगेट रहेगा। एंड 18,082 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो 18,000 फिर हमारा टारगेट रहेगा। और 18,000 को ब्रेक करता है तो उसका मतलब सोच लीजिए पुट में अच्छा खासा मोमेंटम मिलने वाला है। वैसे ही बात करें तो 18,450 या 500 मान लो, 18,500 के ऊपर हमको अच्छा खासा बुलिश बुलिश रैली भी मिल सकता है 18,500 के ऊपर। पर जब तक 18,500 के ऊपर नहीं जाता हमको थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है यहाँ पर। तो छोटा छोटा टारगेट लेके ही चलेंगे, 50-50 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलेंगे। तो अगर मार्केट 18,200 को कल क्रॉस करता है, 18,200 को क्रॉस करता है, तो हम 18,250 या 18,300 तक अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते जाना आप, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप नहीं लगाओगे तो मार्केट एक ही कैंडल में आपका सारा पैसा खा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, एंड नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आने वाला हूँ वो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि 15 मिनट्स का अच्छा खासा स्ट्रेटजी है। एंड उसमें मैं ये गारंटी कह सकता हूँ कि उसमें आपको अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ चलोगे, टारगेट के साथ चलोगे, तो अच्छा खासा बना पाओगे। तो उस स्ट्रेटेजी का वेट कीजिए, मैं मोस्ट प्रोबेबली संडे तक 20 मार्च तक वो अपलोड 20 मई तक अपलोड कर लूँगा वाला वीडियो, तो आप देखना वो स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।